अब सीखते हैं हम मानक हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप मानक इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो, मानक इलेक्ट्रोड। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक इलेक्ट्रोड कहो या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहो या SHE शॉर्ट में कह दो। तो सबसे पहला सवाल ये बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे वैज्ञानिकों ने क्यों बनाया, यानी क्या कारण था इसे बनाने का। तो मैं आपको बताता हूं क्या कारण था। जब वैज्ञानिकों को पता चला कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह या तो धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव, एक वोल्टेज डेवलप होता है और उस विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और फिर इलेक्ट्रोड विभव निकालते समय उन्होंने तीन शर्तें बनाई। उन्होंने उन तीन शर्तों के आधार पर जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाला तो उस इलेक्ट्रोड विभव को उन्होंने कहा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो अब वैज्ञानिकों को जब पता चल गया कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाने पर धातु की सतह पर एक वोल्टेज पैदा हो जाता है, एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, तो वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के तत्व उठाए, उन्हें दुनिया भर के विलयनों में डुबाया और दुनिया भर के इलेक्ट्रोड बना गए, दुनिया भर के इलेक्ट्रोड बना दिए। अब वे सारे इलेक्ट्रोड बना तो दिए पर उनका इलेक्ट्रोड विभव भी तो नापना पड़ता। अब तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव नापने के लिए जिस उपकरण का निर्माण किया गया उस उपकरण को हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे आप भौतिक विज्ञान में पढ़ते हो मानक किलोग्राम, मानक मीटर, मानक सेकंड पढ़ते हो ना ये सारी बात, इसी तरीके से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात। ठीक है, अब कारण मैंने आपको बता दिया क्या है, कारण मैंने आपको बता दिया कि इसे बनाने का कारण क्या था। कारण यह था कि जो विभिन्न इलेक्ट्रोड हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, यह कारण था इसे बनाने का। अब अगला सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इसकी संरचना कैसी थी, इसकी बनावट कैसी थी। मैं बताता हूं इसकी संरचना कैसी थी, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। बस देखो मैं बताता हूं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना ऐसी थी कि इसमें वैज्ञानिकों ने एक बर्तन लिया था इस तरह का, ये लिया एक बर्तन, और इस बर्तन में उन्होंने डुबाई कांच की एक बंद नली, इस तरह की कांच की एक बंद नली थी जो नीचे से कुछ चौड़ी थी इस तरीके से ये, और इस नली में एक प्लेटिनम का तार था और प्लेटिनम के तार में नीचे लटका रखी थी प्लेटिनम की एक प्लेट, और इस नली में भर रखी थी उन्होंने हाइड्रोजन गैस इसमें भर रखी थी इस नली में। ठीक है, और यहां भर रखा था एक विद्युत अपघटक का विलयन। ठीक है, तो तीन चीजें थी इसमें, कितनी चीजें थी, तीन, संरचना में मुख्य रूप से तीन भाग थे। ये तार किसका था, ये था हमारे पास प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम का तार, पहली बात तो ये है, एक तो प्लेटिनम का तार था, उस प्लेटिनम के तार से लटकी हुई थी प्लेटिनम की प्लेट, प्लेटिनम की प्लेट, समझ रहे ना आप। और ये हमारे पास क्या थी, ये थी कांच की नली, कांच की बंद नली, कांच की नली थी जो ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बंद थी, और इसमें हाइड्रोजन गैस भर रखी थी और एक वायुमंडलीय दाब पर भर रखी थी, और ये था एक विलयन, वैद्युत अपघटक का विलयन। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना कैसी थी, तो संरचना में आपको ये बातें बतानी है, और इसमें तीन शर्तें उन्होंने फॉलो करी थी यहां। पहली शर्त तो उन्होंने ध्यान ये रखा था कि यहां जो सांद्रता है, सांद्रता विलयन की, विलयन की क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो विलयन की जगह मैं एच पॉजिटिव की सांद्रता लिखूंगा, किसकी सांद्रता, एच पॉजिटिव की। पहली शर्त यह थी
इस विलयन में जो हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं उनकी सांद्रता थी 1 m, m का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। दूसरी शर्त यह थी कि ताप कितना था, ताप था 25 डिग्री सी। और तीसरी शर्त क्या थी, तीसरी शर्त यह थी कि दाब था 180 m, एक वायुमंडल। देखो यह हाइड्रोजन गैस नली में भर रखी है, एक वायुमंडलीय दाब पर। तो ये जो सारी संरचना हम पढ़ रहे हैं ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना। मैंने आपको क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको बताया कारण, कारण मैंने बताया कि क्यों बनाया गया SHE, इसलिए बनाया गया जिससे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सके, इसलिए बनाया गया। दूसरी चीज आती है संरचना, इसकी बनावट कैसी थी। भाई बनावट में मैंने आपको तीन चीज बताई जिसमें आप पहली चीज मान सकते हो कि एक विद्युत अपघटय का विलयन, विद्युत अपघटय का विलयन है, विद्युत अपघटय का क्या है, विलयन भरा हुआ है। नंबर दो, दूसरी चीज बताई मैंने कांच की बंद नली, कांच की बंद लिख दो या नली लिख दो, कांच की नली में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और तीसरी चीज क्या बताई, तीसरी चीज बताई प्लेटिनम के तार से लटकी, प्लेटिनम की प्लेट, लो ये है, समझ में आई बात। तो संरचना में तीन बातें आपको लिखनी है, चाहिए ना आप पैराग्राफ में लिख दो। और मैंने आपको यहां बताई तीन शर्त, तीन कंडीशन। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि जो विद्युत अपघटय का विलयन है उसमें एच पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 m, या आप इसे कह सकते हो 1 मोल प्रति लीटर। दूसरी शर्त मैंने आपको बताई, देखो यहां लिखी ना तीनों शर्त, हमारा कमरे का ताप कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सी। और तीसरी शर्त मैंने आपको बताई, तीसरी शर्त क्या है कि दाब प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 वायुमंडल। ये बन गया आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। जल्दी से पॉज करके लिखो, आप लिख लिया बेटे, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर इसका नाम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों है। इसके नाम में मानक इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें तीन मानक परिस्थितियां हैं, ये तीन जो शर्तें हैं ये मानक शर्तें हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, इसलिए मानक तो इसलिए है इसका नाम में। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए है क्योंकि यहां नली में हाइड्रोजन गैस भरी गई है। कौन सी गैस भरी गई है, हाइड्रोजन गैस, इसलिए इसे हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक इसलिए इन तीन शर्तों के कारण, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए क्योंकि इसमें भरी गई है हाइड्रोजन गैस। क्लियर बात। अब अगला सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इसकी क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि, ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसकी सहायता से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात कर सकते हो। ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है, आपको एक इलेक्ट्रोड बना के दिया वैज्ञानिकों ने, या आपने खुद एक इलेक्ट्रोड बना लिया, उसमें आपने एक विलयन लिया, ठीक है, लवण का विलयन लिया और उसमें एक धातु की छड़ डुबा दी। तो जब किसी धातु के लवण के विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभवांतर, एक विभव, एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विभव। तो आपने एक इलेक्ट्रोड बनाया, यहां मैं लिख रहा नया इलेक्ट्रोड, आपने एक नया इलेक्ट्रोड बनाया जिसका इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें जो सांद्रता है ना इसकी, जो आपने इलेक्ट्रोड बनाया जिसका इलेक्ट्रोड विभव आपको नापना है, उसकी सांद्रता भाई 1 m आपको करनी पड़ेगी, 1 मोल प्रति लीटर। दूसरी शर्त यह है कि आपको इसका ताप 25 डिग्री सी रखना पड़ेगा। और तीसरी शर्त यह है कि आपको दाब रखना पड़ेगा 1 atm, एक वायुमंडल, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर। यदि इन तीनों शर्तों को आप फॉलो करते हो और एक इलेक्ट्रोड बनाते हो तो इस इलेक्ट्रोड में से एक तार निकाल लो, और एक तार ले लो आप अपने सी में से, सी SHE, इसे आप शॉर्ट में सी कह सकते हो, और इसमें से एक तार ले लिया, इसमें से एक तार ले लिया, और दोनों के बीच जोड़ दो एक वोल्ट मीटर। क्या जोड़ना है, वोल्ट मीटर, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं वोल्ट मीटर, दोनों के बीच आप एक वोल्ट मीटर जोड़ दो, समझ रहे ना। जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है उस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रखो, और दोनों तीन शर्तों को ये फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमें ई नहीं निकालना है, हमें निकालना है ई नॉट।
हमें इलेक्ट्रॉन विभव नहीं निकालना है, हमें निकालना है मानक इलेक्ट्रॉन विभव। और फिर क्या करो, फिर बीच में जोड़ दो वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में इस तरह यहां लिखी होती हैं संख्याएं, और ऐसी होती है एक उसमें घूमने वाली सुई। तो वोल्टमीटर की सुई जहां तक पहुंचेगी, जितने भी वोल्टेज पर रीडिंग पहुंचेगी, उस रीडिंग को या उस पाठ्यांक को नोट कर लेंगे हम, सुई कहां तक उठी। जहां तक भी सुई उठी है, जितने वोल्टेज को ये दिखा रही है, वो ही नए इलेक्ट्रॉन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नॉट होता है। बताओ समझ में आई क्या बात, कि हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है। जिस भी इलेक्ट्रोड को आपने बनाया, उस इलेक्ट्रोड को इसके बराबर में रखो। इस इलेक्ट्रोड को ये तीनों शर्तें फॉलो करनी चाहिए, और दोनों के बीच में लगा दो वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में जो भी रीडिंग आपको प्राप्त होगी, वो ही इस नए इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। ऐसे काम करता है, जल्दी से पॉज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है, एक हेडिंग लिखो नोट। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं आपको, देखो आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में इलेक्ट्रोड विभव, वास्तव में इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ये कहां से आ गए, हमें तो सिर्फ यूं पता था कि इलेक्ट्रोड विभव एक ही प्रकार का होता है। अब यहाँ कुछ जो थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वे सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने बताया था एक तो इलेक्ट्रॉन विभव होता है और एक होता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव। हाँ ये बात तो ठीक है, पर हम केवल मानक इलेक्ट्रॉन विभव की ही बात इस समय कर रहे हैं। कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव लिख सकते हो, कि वास्तव में मानक इलेक्ट्रॉन विभव या केवल इलेक्ट्रॉन विभव कह सकते हो, दो प्रकार के होते हैं। इसमें से जो पहला होता है वो होता है मानक मानक अपचयन, मानक अपचयन विभव। एक तो होता है मानक अपचयन विभव, और जो दूसरा होता है ना वो होता है मानक आक्सीकरण, मानक आक्सीकरण विभव। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना। आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोड विभव वास्तविकता में दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानक अपचयन विभव और एक मानक आक्सीकरण विभव। और IUPAC ने हमें पता क्या बताया, हमें IUPAC ने एक बात बताई IUPAC के अनुसार। अब यहां आपके दिमाग में फिर एक सवाल खड़ा हुआ होगा कि सर IUPAC क्या है, IUPAC क्या है, एक सवाल खड़ा हुआ इसके बारे में कि सर IUPAC क्या है। बेटे IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर जो रासायनिक विज्ञान के वैज्ञानिक होते हैं, उनकी एक इंटरनेशनल ऑफिस है, एक बड़ा ऑफिस है। यहाँ मीटिंग होती है जेनेवा में। ये IUPAC का जो हेड ऑफिस है वो जेनेवा में है, और जेनेवा में 3 साल में एक बार मीटिंग होती है केमिस्ट्री के जितने बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी, और वे रासायनिक विज्ञान से संबंधित पूरी दुनिया को एक साथ रखकर निर्णय लेते हैं। कैसे निर्णय लेते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन में, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको समझाऊंगा, स्टार्ट करूंगा। अभी तो सिर्फ इतनी ध्यान रखो कि IUPAC जो है पूरे संसार में रासायनिक विज्ञान का होल सोल है। समझ रहे हैं ना कि इसके ऊपर डिपेंड करता है पूरे संसार का केमिस्ट्री, IUPAC के ऊपर। अभी तो यहां सिर्फ इतनी बात समझनी है कि IUPAC ने बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन विभव मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो आप निकालते हो ना, वो वास्तविकता में मानक अपचयन विभव होता है। IUPAC ने बताया कि जो आपका मानक अपचयन विभव है ना, मानक अपचयन विभव वो मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बराबर ही होता है। मतलब आप जिसे मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हो, वो वास्तविकता में मानक अपचयन विभव है। तो हम यहां लिखेंगे मानक अपचयन विभव होता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बराबर। तो यदि आप मानक इलेक्ट्रॉन विभव शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो समझ जाओ आप मानक अपचयन विभव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है। पर यदि मैं कह दूं कि मानक आक्सीकरण विभव की बात कर रहे हैं, चलो मानक आक्सीकरण विभव जो यहां लिखा था, देखो ये मानक आक्सीकरण विभव, तो मानक आक्सीकरण विभव इसका बिल्कुल उल्टा होता है, माइनस मानक इलेक्ट्रॉन विभव, इसका उल्टा। यदि मैं कहूं कि किसी इलेक्ट्रॉन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 2 वोल्ट है, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। मैंने कहा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी मैंने किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबा रखा है, तो उस धातु की छड़ का मानक इलेक्ट्रॉन विभव मान लो 2 वोल्ट है,
तो उसका मानक अपचयन विभव भी 2 वोल्ट ही होगा, पर उसका मानक ऑक्सीकरण विभव होगा -2 वोल्ट। यदि किसी का मानक अपचयन विभव 2 वोल्ट है तो उसका मानक ऑक्सीकरण विभव -2 वोल्ट होगा, और यदि किसी का मानक अपचयन विभव -3 वोल्ट है तो उसका मानक ऑक्सीकरण विभव +3 वोल्ट हो जाएगा। यानी ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, जिन्हें आप कह सकते हो एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि मानक ऑक्सीकरण विभव बराबर होगा माइनस मानक अपचयन विभव के, मानक अपचयन विभव के बराबर होगा। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों के बीच में यदि ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और यदि ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। पॉज करके लिखो, लिख लिया बेटे? ठीक है।